अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ईद एक फैमिली त्यौहार है और इसको फैमिली के साथ मनाया जाता है, इसलिए ये व्लॉग कोई इतना सीक्वेंस में नहीं है। बस ईद पर मैं कुछ क्लिप्स बनाता रहा, जहाँ जहाँ गया, जो जो एंजॉय किया, और मैंने कहा इसका वो एक कंबाइन करके एक व्लॉग की फॉर्म में आपको भी दिखाया जाए और अपने लिए भी कंटेंट सेव किया जाए। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम हम आ गए हैं जी ईद के बाद। अभी ईद बड़ी ईद है 2024 की, छोटी ईद पे आपसे मुलाकात हुई थी क्योंकि हमारे पास फिर टाइम नहीं रहा, जॉब्स वगैरह आपको पता है, जॉबियन बंदा जो है इतने ज़्यादा टाइम निकाल नहीं सकता। तो अभी मेरे साथ दोबारा से साथ शौकत मौजूद हैं, मेरे क्लास फेलो और शाम लास्ट। हाय गाइस, हाय गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं किसी अच्छी से स्पॉट पर। पहले तो हमारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, वही हमेशा की तरह, कभी ये नहीं आ रहा, कभी ये मसला है, वो मसला है। तो अभी निकल पड़े हैं खैर खैरियत से, अभी बज रहे हैं जी 3:30। जाना तो हमने बालाकोट से भी आगे था, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन चल रही है तो शायद हम ये करीब तरीन की लोकेशन ढूंढ रहे हैं। सर मैं हज़ारा मोटरवे पे मौजूद हूँ और ये देखिए हज़ारा मोटरवे की भी एक खास ही बात है अपनी इधर की ड्राइव करने की भी। आप लोग कह रहे होंगे कि कुर्बानी की ईद है और इन लोगों को घूमने फिरने का पता है, तो कुर्बानी आज दूसरा दिन है, ये दोनों कर चुके हैं, तो मेरी आज शाम को है। पीछे फैमिली कह रही है मैं तो छुट्टी आया हुआ था 2-3, तो हमने जाना ज़रूरी था। मैंने कही थी कुर्बानी आप लोग कर लें, अगर तो हम जल्दी वापस चले गए तो फिर इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे, ना गए तो सर आपको इधर कहीं टूर दिखाएंगे और यही जो 2-3 दिन हम इंजॉय करेंगे वो दिखाएंगे। तो बालाकोट जाने का था, बल्कि उससे भी आगे हमने कहा था शुक्रान वगैरह जाएंगे, लेकिन वहाँ कुर्बानी का बीच में सीन आ गया क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि हमने कुर्बानी दूसरे दिन करनी थी, पहले दिन नहीं की। अच्छा, तो अभी हमने शिनकारी की तरफ जा रहे हैं, हमने माइंड शिनकारी तरफ कर दी है, इंटरचेंज उतरे हैं, मानसरा क्रॉस कर लिया और बिल्कुल ऑन द वे हैं। और तकरीबन मैं यहाँ से शिनकारी बाजार आने लगे, अभी हमने पूछा ही इससे आगे हमने, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमें लोकेशन का नहीं पता कि हमने कौन सी अच्छा स्पॉट होता जाना है। तो अभी पता चला है कि आप आगे जाएंगे तो एक शाहजेब झील आएगी टोडियाल रोड वाली साइड पे। मैं आपको मैंने के साथ साथ बताता चलूँ कि अगर कल को कोई विजिट करना चाहे तो इन स्पॉट्स को विजिट कर सकते हैं। नीचे से पानी जा रहा है बहुत ज़बरदस्त, जगह जगह लोग भी रुके हुए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, या फिर इधर लोग रुके हैं वैसे नहा वगैरह रहे हैं। प्यारी जगह यार, पिक्चर्स वगैरह ना लें, वाओ लोग नहा रहे हैं नीचे, बस इस तरह के व्यूज़ हों और क्या चाहिए। छुट्टियाँ हों तो इस तरह की जगह पे निकल आना चाहिए ताकि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है और जो खासतौर जॉबियंस बंदे हैं उनके लिए ज़रा रिलैक्स पॉइंट्स हैं ये वाले हज़ारे वाली आवाम के लिए। सब यू कहीं पर होगा पे हमने स्टे नहीं किया, हमने वहाँ पर सुना था कि इससे आगे एक डार्डर जगह वो ज़्यादा खूबसूरत है, आप वो भी एक दफ़ा देख लें। हमने सोचा अब इतना आगे आए हुए हैं तो एक दफ़ा नज़र मार जाते हैं, क्योंकि इतना दूर नहीं था, 5-6 किलोमीटर था, तो हम आगे निकल पड़े। ओए डार्डर किधर है? डार्डर ही नहीं आ रहा, डार्डर ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँचे। प्यारी थी वापस हो जाएंगे, वापस जल्दी पहुँच जाएंगे। भाई और डाटर किधर गया? डाटर नाने ये 5-6 बजे के बाद तो ना नहीं सकता, मुझे पता है ब्रो। 5-6 भी हुए हैं, ये 5 भी नहीं हुए तो ये घंटा है ना, 5-6 वाला टाइम बताऊं, बस ये 2-3-4 का टाइम होता है, यानी पूछना ही पड़ेगा। रुक ये जाते ही जा रही नाने, ये खत्म होने वाला नाम है। किसने बताया यहाँ पर कोई डाटर है और तो घूमने की जगह, हम यहाँ पर आए लेकिन हमें मजा नहीं आया तो हम अभी यहाँ से वापस मुड़ रहे हैं। हाय
आने के लिए। कोई दरवाजा लॉक कर क्या? आगे बहुत गहरा है इस जगह पे, हम ही जा रहे हैं साथ, मेरे साथ से पानी जो जा रहे हैं, ये बहुत तेज है और बहुत गहरा है। मैं बैग किस क्यों पत्थर की स्पोर्ट ली हुई है बैग क्यों? खाना खाएं? अच्छा आज यार ये कोई पकौड़े समोसे लेके आया, कहता खाते हैं, मैंने कहा चलो खा लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ मिलियन डॉलर्स प्लेट इस व्यू के साथ, क्या बात है जी। पकौड़े हैं समोसे, ये इसकी हरकत थी। मैंने कहा सही से खाना खाएंगे, कहते हैं नहीं, पानी में बैठ के जो थोड़ा बहुत मंचिंग करने का मजा वो और है। नहा शाह के हम लोग बस वापस निकल पड़े हैं, अब जाएंगे मेरा ऐसे कुर्बानी, या तो मैं पहुंच जाऊंगा टाइमली, ना पहुंचा तो क्या कुर्बानी हो जाएगी। अभी हम लोग सेक्शन 11 में मौजूद हैं और बड़ा मज़ा आया, बड़ा ठंडा पानी था, रिकमेंडेड जगह थी, फैमिलीज भी आई हुई थी, आप लोग भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह अभी हम मोटरवे पे यहाँ से मानसरा वाले हज़ारा मोटरवे पे एंटर हो जाएंगे, इवन एक्सप्रेस वे कह सकते हैं उसको। रोड थोड़े कंजस्टेड हैं लेकिन है अच्छे बने हुए हैं, कहीं पर भी रोड ख़राब नहीं है। क्यों सर, जो को सही कह रहा हूँ, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मज़ा आया आप लोगों को? काफ़ी मज़ा आया, पिछले बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, सब ज़्यादा मज़ा आया, दोनों की अपनी बात थी। इस बार मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, इस बार हमने मौसम अच्छा करने के लिए पानी में घुस के दोनों का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। चलें जी देखते हैं और आगे क्या है इस ईद में करने को, तो वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे, एक मेमोरी अपने पास सेव करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। गाँव के कुछ देसी कुएँ हैं, देखें इसको मैंने उतारा है, मैंने कहा यार पानी भर के लाओ, इनके पानी का भी कप नहीं मजा होता, और हमारे इलाके की वैसे भी मिठास बहुत ज़्यादा है पानी में। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब तो मैं यहाँ से मोटर वाले आ गए हैं, पहले ये हैंडपम्प्स होते थे, और हैंडपम्प अभी बहुत से इलाकों में, बहुत से गाँव में, आपको पता है हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे।
देखें जी, ये देखें जी, खूबसूरती की इंतहा जी। आज नहीं यार, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्यों खराब? छोड़ दो, छोड़ दो ना, छोड़। वाह 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 वाह, रुक तो बेटा, रुक रुक तो बेटा, रुक तू, रुक जा बेटा, खर तुम आए आप पे। सही बात है, इसे सरप्राइज कर दी गाने ने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दिल में गूंजी है शहनाइयां, ये खुशी दिल में गूंजी है शहनाइयां, हम क्यामत आम पे रुके हैं, गाड़ी उस साइड पे पार्क की है और इधर ये सब पे इस सफ़र ट्राई करने आए हैं। हमने क्या देखते हैं इसके क्या है मिजाज है। बेहतरीन लोकेशन है, बहुत पीसफुल। बस खाना छाना खाया, लेट तो हम ऑलरेडी हो गए थे, कुर्बानी हो चुकी थी। फिर भी उसके कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने एक इधर उधर से मोबाइल से पकड़ के मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, कुछ कुर्बानी की पिक्चर्स वगैरह और उसकी कुछ वीडियोस क्लिप्स वगैरह। गाइस, मैं अपना फ़ोन जो है वो चार्जिंग पे छोड़ा है घर में, एक फैमिली ट्रिप था, ज़्यादा वैसे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन जो अच्छे अच्छे क्लिप्स थे वो भी मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन नहीं था मेरे पास। तो एक मेरे पास ये दूसरा फ़ोन था, उसको मैंने रिकॉर्ड किया। तो बहुत ही प्यारी जगह ये भी, हम जबरी में मौजूद हैं। वैसे तो इससे भी खूबसूरत जगह थी, लेकिन रश की वजह से हम उधर जा नहीं सके। गाइस सॉरी फॉर द कैमरा क्वालिटी, गुजारा करें, ये मैं अपने लिए सेव करूँ क्योंकि बाद में यादगार रह जाती है बहुत सी चीज़ें। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई, मुबारक हो आपको बहुत बहुत जी। अब्दुल्ला के अबू के दोस्त की थी, उन्होंने उस टाइम पे उसको बैठने नहीं दिया था। अच्छा, तो फिर वो ईगो में आ गए, अभी पिछली उम्र में आ गए। इधर से नीचे हो जाना, इधर से नीचे हो जा। पिछली उम्र में आके उनके पास थोड़े पैसे आए तो उन्होंने कहा वही गाड़ी लूंगा मैं। मॉडल कौन सा मॉडल है ये? 96 होगी, 96 वही गाड़ी लूंगा। 98 में मैरून इंटीरियर आया था। मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ भाई। अब्दुल्ला शमरोज आज हमें ट्रीट दे रहे, ठंडे जो घुमाने लेके आए, कहता है आप लोगों को अच्छे अच्छा एंजॉय करवाऊंगा, नहीं है, नहीं है करेंगे फिर उसके बाद अच्छे। ओ भाई जाएं प्लीज, जाएं यार, तेरी गाड़ी को, तेरी गाड़ी। नहीं तुम केटू से गुजरा के, केटू से कम भी नहीं है देख। हाँ हाँ सही है, ये भाई साहब ने नई नई गाड़ी सीखी है और ट्राई हम पे कर रहे हैं बैठा के, गलत रास्ता में घुसा लाया है हमें जंगल के, जंगल में घुसा लाया है हमें। जा जा ये आगे दरख्त से राइट ले ली, आगे दरख्त से राइट ले ली भाइयों। ये फर्स्ट टाइम रिवर्स कर रहा है लाइफ में, फर्स्ट टाइम है तो ना, इतना लंबा रूट तो फर्स्ट टाइम रिवर्स कर रहा है। कब सजे सजे, देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। कम बैक, कम बैक, कम बैक, कम बैक, बेहतरीन बेहतरीन। शमरोज अंकल से सीखी है इसने, ये वाला रास्ता है। 4x4 गाड़ी रख के भी ये गंदी शक्ल जो है नहीं उतार सकती, कहती है मुझे डर लगता है इधर से।
और हमें अच्छी जगह मिल गई है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। इस रईसाला पुल के नीचे एक जगह है, वहाँ पर हम आए हैं। बड़ा ढूंढा हमने, ठंडे चोए भी कहने के मज़ा नहीं आया। वाइब तो है, आए हैं और अभी आके हमने चाय का ब्रेक लेने के लिए उजरा कैफे हमारे घर के बदल स्टे लिए। बड़ी सी चाय है, सुना है इनका, आज ट्राई करते हैं। आज मैं निकल पड़ा हूँ अपनी जॉब के लिए वापस इस्लामाबाद, तो मैंने क्या सोचा ही वाइंड अप कर देते हैं क्योंकि ये तो ख़त्म हो गई है, तीन दिन इतनी गुजर गए। तो मैं आप सबसे ज़्यादा चाहूँगा टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, अल्लाह आप सबको कामयाब करे और मुझे भी। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।